दोस्तों, दीपावली ये त्योहार हम इसीलिए मनाते हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण पर जीत हासिल किया था और फिर दीप जलाए गए थे इस बात की खुशी में और जश्न मनाया गया था। पर क्या आप जानते हो कि रावण को आप भी मार सकते हो और आप भी दीप जला करके सेलिब्रेट कर सकते हो। जी हाँ, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। हम आज चलेंगे स्टोरीज के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्टोरी के पीछे क्या है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भारत के सभी त्योहारों में से ये सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली का त्योहार और ये एक बड़ा उत्सव होता है हमारे देश में। रामायण में भगवान राम का रावण के ऊपर जीत हासिल करना, ये अगर हम ध्यान लगाकर हमारे मन के भीतर झांक कर अगर देखेंगे तो हमें समझेगा कि ये हमारे अंदर भी एक खूंखार रावण जैसा राक्षस रहता है जिससे हम दिन रात लड़ाई करते रहते हैं। चलिए रामायण की कहानी से पता लगाते हैं कि कैसे भगवान राम। राम इस शब्द का मूल अर्थ हम कह सकते हैं हमारे भीतर का आनंद, आनंद की स्थिति में रहना। हमारे भीतर जो आत्मा होती है वो परमेश्वर का ही अंश है जिसकी प्रकृति हमारे प्राचीन ग्रंथों में आनंद स्वरूप कहा गया है। खुश रहना, आनंदित रहना भीतर से। पर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप में राम बसते हैं? क्या आप अंदर से हमेशा आनंदित महसूस करते हो? नहीं ना? है ना आवश्यकता ये समझने की कि राम को अपने भीतर से हम बाहर कैसे निकाले, आनंदित कैसे रहे हम? तो वो क्या चीज है जो हमें रोकती है आनंदित होने से, खुश रहने से? अब आप कहोगे कि दूसरे लोग आपको परेशान करते हैं, बाधाएं डालते हैं आपके काम में, इसीलिए आप आनंदित नहीं महसूस करते हो। पर यह सच नहीं है। आपको आनंदित रहने से रोकने वाला, आप में बसे राम को बाहर निकलने से रोकने वाला रावण कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छुपा बैठा है। अब दोस्तों, ये रावण कौन है और हमारे अंदर कहाँ छुपा होता है? रावण का मूल अर्थ होता है वो जो हमें दुख की ओर ले जाता है, जो हमारा मार्ग भ्रष्ट करता है। अगर राम आनंद स्वरूप है तो रावण मोह स्वरूप है जो हमें अंधकार की ओर ले जाता है। अब आप कहोगे कि मोह स्वरूप कैसे? तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां होती है वो हमेशा मोहित करते रहती है हमें। आपको लग रहा होता है कि आप खुश है पर आप अंदर से दुखी होते जाते हो। जैसे आप शायद मोबाइल पर या टीवी देखकर आपका कीमती समय आप नष्ट कर रहे होते हो। आपको इससे खुशी मिलती होती होगी पर अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आप काम चोरी कर रहे हो और आपके लिए आगे चलकर दुखदायी हो सकती है ये बात। और एक उदाहरण, जैसे आपको किसी की बुराई करके आपको बहुत खुशी मिलती होगी पर ये अंदर से आपको खोखला कर देती है। ये जलन, ये घृणा आपके लिए बुरा है। इस प्रकार की नकारात्मकता आपके अंदर का रावण है और रावण के जिस प्रकार 10 सिर दर्शाए गए हैं वैसे ही इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के भी 10 प्रकार होते हैं। चलिए इन प्रकारों को समझते हैं। काम यानी हमारे सतत बढ़ती जाती वासनाएं और इच्छाएं जो कम नहीं होती है कभी। क्रोध यानी हमारा गुस्सा जो हमसे बुद्धिहीन काम करवाती जाती है हमेशा। मोह यानी अटैचमेंट जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। लोभ यानी हमेशा दूसरों से ज्यादा मांगना और हमेशा असंतुष्ट रहना। मद यानी गर्व में जीना, घमंड में रहना। मत्सर्य यानी दूसरों से जलना और दूसरों की निंदा करना। स्वार्थ यानी सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना हमेशा। अन्याय यानी दूसरों को दगा देना, अत्याचार करना। अमानवता यानी क्रूर होना, किसी पर दया ना दिखाना। और अहंकार यानी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना हमेशा। आप लोग अब भली भांति समझ गए होंगे कि रावण को मोह स्वरूप क्यों कहा गया है। ये सारे नकारात्मक प्रवृत्तियां जो अभी मैंने कही, आप सब जानते हो कि वो करने में बहुत मजा आता है पर वो मजा आपके ही जीवन के लिए दुखदायी और सजा का पात्र आपको बना देती है। तो दोस्तों, इस रावण पर जीत कैसे हासिल करें हम और वो कौन सा दीप जलाए जिससे इस नकारात्मकता के अंधेरे को हम मिटा सके। इस वीडियो में पहले मैंने आपसे कहा कि राम ये आनंद स्वरूप है, हमारे भीतर के आनंद को ये दर्शाता है।
पर वो रावण के इन 10 नेगेटिव प्रवृत्तियों से ढका हुआ होता है। हमें ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि राम अगर आनंद स्वरूप है तो राम ये धर्म स्वरूप भी है। अपने विचार, कर्म और वचनों में उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना ही की। हमें भी ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर ही लड़ाई करते रहना पड़ता है रावण को हराने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। ईश्वर पे हमारी श्रद्धा हमारा सारथी का काम करता है इस लड़ाई में। मन की उदारता हमारी कुल्हाड़ी का काम करता है। हमारा आत्मज्ञान हमारा धनुष होता है और शुद्ध और स्थिर मन हमारी तलवार होती है। योग के यम नियम के 5-5 गुण हमारे बाण होते हैं और बुद्धि का मिसाइल लेकर के हम पवित्रता, संतोष और स्वाध्याय करते हुए हमारे दुश्मन रावण का वध करते हैं। जिन हथियारों की बात कही मैंने, उनसे कोई भी बाधा को दूर किया जा सकता है जीवन में। नकारात्मकता यानी नेगेटिविटीज को दूर किया जा सकता है और असली आनंद को हम पा सकते हैं हमारे मन में, जो है प्रभु राम। दीपावली ये रावण के उन्हीं नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत है, उसके नष्ट होने का और हमारे मन में राम बसने का प्रतीक है। आइए इस दीपावली में सब मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम हमारे मन में नेगेटिविटी के अंधेरे को दूर कर पॉजिटिविटी का दीप जलाएंगे, हमारे मन में राम की स्थापना करेंगे और जश्न मनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और इसी उपलक्ष्य में आप लोगों को मैं 5 ऐसे टेक अवेज देना चाहता हूँ जो इस दीपावली आप अपने जीवन में जरूर अपना कर देखिए। पहला, अपने अंदर के नेगेटिविटीज को दूर रखकर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, जीवन को सकारात्मक तरीके से जिए और सकारात्मकता फैलाइए। दूसरा, दीपावली में जब हम लक्ष्मी की पूजा करें तो खुद के अंदर के रुकावटों और आलस को दूर कर उन्नति की ओर बढ़े तेजी से, क्योंकि समृद्धि उसी के पास आती है जो उन्नत होने की ओर निरंतर प्रयत्न करता है। तीसरा, जीवन में हमें जो कुछ मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त करें, किसी भी चीज के लिए रिग्रेट्स ना रखें मन में, आभार व्यक्त करना सीखें, इससे मन में अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। चौथा, जीवन में व्यवस्थता लाए, बिखरे हुए जीवन के पहलुओं को समेटें और खुद के जीवन को और खुद को जीवन के लिए सही तरीके से तैयार करें। पांचवा, अपने समावेश में रहने वाले सभी लोगों को अपनाएं, एक दूसरे के प्रति वैर भाव ना रखें, दीपावली के पावन पर्व में खुश रहें और सभी में खुशियों को बांटें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है itw@idbi, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।